ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन एंड जे पार्ट इज इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड आउट द कोशेंट एंड रिमाइंडर. कोशेंट एंड रिमाइंडर हमने फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द डिविडेंड इन दिस पार्ट? यस, व्हाट इज द डिविडेंड इन दिस क्वेश्चन? वेरी गुड. द डिविडेंड इन दिस क्वेश्चन, कौन सा डिविडेंड है इन दोनों नंबर में से? विनय, वेरी गुड. 54,393 को किसके साथ डिवाइड करना है? विद 332. तो जिसके साथ डिवाइड करते हैं दैट इज नोन एज द डिवाइडर. सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डिविजन. 2119 गेट हो जहां से कम वाला नंबर गेट हो. अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो. 3 6 18 21 है, ठीक है.
माइनस सिक्स जीरो, सेवन माइनस नाइन तो नहीं होगा, तो हियर विल कम सेवेंटीन एंड हियर विल कम इलेवन, तो हियर जीरो। ओके, सेवन माइनस नाइन एट, इलेवन माइनस नाइन फोर। ओके, तो हमारा लास्ट वीडियो सिक्स था, सिक्स के साथ हमने पूरे डिवीजन परफॉर्म कर ली है। एंड में हमारे पास 280 बचा है। नाउ यू पीपल विल राइट इन चैट बॉक्स कि इस टर्म को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द 280 इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज 280, क्या है ये 280? मेरे को दिखता है यार, मैं क्या करूं। हमने फाइंड आउट क्या करना था, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। तो द क्वोशेंट इज क्या है, क्वोशेंट क्वोशेंट इज 163 एंड द रिमाइंडर इज 480। ओके, ये भी फाइंड आउट करना था हम लोगों। तो आपने भी डेटा जो हम वर्क पर कर रहे हैं ना, ये मैंने जो वर्क पर जब भी आप डिवीजन के सम सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करते हो रफवर्क में, वो आपने साइड पे लाइन डाल के आपने शो करना होता है। ओके, जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हरिया मैम, आई विल डन द क्वेश्चन। Okay, जिन बच्चों का हो गया ये वाला क्वेश्चन, दे विल रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो द क्वेश्चन नंबर टू इज, फाइंड द डिविडेंड बाय यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। कैन यू टेल, ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया गया है, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? यस, वेयर वी यूज दिस फॉर्मूला? हरी अप हरी अप, यू नो इट इज, वेरी गुड। बुक में से देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले को यूज करके हमने डिविडेंड फाइंड आउट करना है। विनय पाल, वेरी गुड, यस। चेकिंग में यूज होता है ये फॉर्मूला, चेक करते हैं ना, वेरीफाई करना होता है डिविजन को, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो बाई यूजिंग दैट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फाइंड द डिविडेंड। आपको चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे ना, तो वहाँ पे डिविडेंड की प्लेसेस मिसिंग है, और वहाँ पे डिवाइडर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और आप बच्चे ये वाले क्वेश्चन बुक पे नहीं करने, आपने नोटबुक पे सॉल्व करने, कैलकुलेशन पार्ट है ना, बुक पे तो सॉल्व नहीं होगा कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपने अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे अभी करना है। जो होमवर्क मिलेगा आपने होमवर्क नोटबुक पे करना है। नाउ आई एम गोइंग टू डू द ए पार्ट, पार्ट राइट करो, फोर पार्ट है ना, स्टार्ट कर लो फर्स्ट नंबर से ए बी सी डी। यहाँ पे नहीं दिया गया है बुक में, आप अपनी तरफ से बुक पे राइट कर लो पार्ट ए बी सी डी। ठीक है, तो इन पार्ट ए डिवाइडर, डिवाइडर क्या है, 125, क्वेश्चन इज 125 एंड रिमाइंडर इज जीरो। फॉर्मूला इज डिविडेंड
फॉर्म यूज कर लीजिए, आप भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं. क्योर क्वोशेंट डिफो डिवाइजर आर रिमेंडर. डिविडेंड की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हियर आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ द टर्म्स. व्हाट इज द क्वोशेंट? क्वोशेंट क्या दिया गया है? 125 मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई टू किया डी. डिवाइजर है, डिवाइजर कितना है? अगेन 125 प्लस का साइन है तो प्लस मैंने पुट किया. नेक्स्ट है रिमाइंडर. व्हाट इज द रिमाइंडर? जीरो. मैंने जीरो राइट किया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई क्वोशेंट एंड रिमाइंडर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. सो I'm going to do the multiplication here. 125 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करना. आप लोगों के साइड बाय साइड करिए. ठीक है, जल्दी से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो. हरी अप. फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, 125 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? कई बच्चों ने तो कर भी लिया है. वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. Very good. Well done. Very good. 5 5 is 25. So 5 to the 10 is 12. 5 plus 1 7. 5 to the 10. 2 to the 4 plus 1 5. So 5 2 1. 5 2 17. 5 1. What we get? 50,725. Okay. Plus क्या करेंगे? Odd. बेटा ये एक step में नहीं आएगा आपका. Next step में हमें zero पे add करके last step करेंगे. Okay? ये नहीं कि आप direct नहीं कि आप zero पे add करके next आ गया. 50,725. ये क्या हमारा limit? Limit तो हमने find out करना था इस question में. इजी था ना? फॉर्मूला तुमने पहले किया था. ये पार्ट आप करते ही आ रहे हो डिवीजन में, वेरिफिकेशन में, चेकिंग में ना. तो बहुत इजी क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट. द डिवाइजर इज 428. क्वोशेंट इज 228 एंड remainder. What is the remainder in this part? 127. Again, in this part we will use the formula. उन्होंने formula use करने के लिए बोला है ना, तो हमने यहाँ पे पहले formula को जरूर write करना है. जैसे मैंने first question में पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ 228 एंड 428. वेरी गुड. हरियाणा मल्टीप्लाई 228 विथ 428. Very good. Well done. सबको आता है अच्छे से मल्टीप्लाई करना. आंसर राइट करने से पहले अपने जो आपका जो कैलकुलेशन है उसको रीचेक जरूर कर किया करो. Sometimes राइटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है. अनहद जी, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है. Yes. Take time. Okay. Take your time and tell me the answer.
एग्जैक्ट आंसर चाहिए, किसी का भी रॉन्ग ना हो। अभी तो आपको कैलकुलेशन में एक्सपर्ट बन जाना चाहिए। शगुन, शगुन बेटा आपका भी आंसर प्रीवियस क्वेश्चन का ही है। यू नो मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हूँ? वी आर डूइंग द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। कॉपी कैट है सभी बच्चे, एक बच्चे ने वो आंसर भेजा तो उसी को ही कॉपी करके वो सेंड कर दिया। That's very bad बेटा। जिन बच्चों ने खुद सॉल्व किया है ना उनका प्रैक्टिस पार्ट ज्यादा हो रहा है, उनकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी जो खुद सॉल्व कर रहे हैं अभी। वेरी गुड। किसी ने भी सॉल्व किया अभी तक? थ्री डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है भूमि। वेल डन, वेरी गुड। मेहरदीप बेटा रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। साइड बाय साइड आई एम आल्सो डूइंग। ओके, यहाँ पे भी मिस्टेक होगा वहां पे अपनी करेक्शन करो। ओके, वंशिका गुड। एट का 64, एट टू का 16 प्लस 6 22, एट टू का 16 प्लस 2 18 प्लस एट टू का 16 97,584. So the product we get after multiplying these numbers, that is 97,584 plus, observe करिए again remainder को मैंने अभी बाद में write करना है, अभी एक और step में write करने लगी। ओके, plus जाएगा 127। अब मैंने यहाँ पे इनको add कर दिया। 97,584 में क्या ऐड किया हमने? 127। Yes, which is equal to 9,7,11। किसी बच्चे को अगर रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे नंबर को रीड करना है, यू कैन पुट कॉमा, कॉमा को पुट कर लिया, तो आई गॉट 97,711। ओके, दिस इज अवर आंसर। आंसर क्या है? डिविडेंड कंपनी, डिविडेंड, दिस इज अवर आंसर। ओके, यहाँ पे करेक्शन होगी। यहाँ पे 6 आएगा। ओके, तो लास्ट में आंसर हमें गेट हुआ है 15,625। ओके, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए फर्स्ट पार्ट में। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का, 5C का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर थ्री, रीड द स्टेटमेंट. क्या है स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की? Divide the greatest five-digit numbers by the greatest two-digit numbers. हमने किसको किसके साथ डिवाइड करना है? Greatest five-digit number को by greatest two-digit number के साथ. Okay? तो first of all, greatest five digit number is equal to क्या होगा greatest five digit number? Write in chat box. Very good. The greatest five digit number equals to Pahni, Bhumika, Arnav, Mehardeep. Very good. Greatest five-digit number is 9999. 5 times 99. Okay. Next is greatest two-digit number. Greatest two-digit number is, which is equals to what will come? 99. तो इनको क्या करना है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डिवाइड करना है इन दोनों को. तो 99 divided by 99. Okay. So do yourself, hurry up. Do yourself and tell me the answer quickly. Very good. Yes. Khud se solve karo. डिवाइड करना है 99,999 को बाय 99. कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड. ऐसे तो नीड नहीं है यहाँ पे करने का मैम. इन द डिवाइडर, डिवाइडर इज ए कॉमन नंबर. सो इन द डिविडेंड हाउ मेनी डिजिट्स वी विल टेक? यस, इफ डिवाइडर इज ए टू डिजिट नंबर देन हाउ मेनी डिजिट्स वी विल टेक इन द डिविडेंड? टू. वेरी गुड. टू ले ले. 99 को टेक किया. 99 के केवल में आ रहा है 99. 99 का आंसर 99. माइनस किया तो क्या कैसे हुआ हमने? जीरो. Bring down the next digit, that is 9. Bring down the next. अभी see 99 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता ना. तो क्या आएगा? 99 zeros are 0. Minus किया तो क्या कैसे हुआ 9? Again bring down the next digit, that is 9. तो number बिक गया. क्या number बन गया अभी? 99. 99 बन गया ना. अगेन 99 के टेबल में कहाँ पे जाएगा? ये 1 का 99 माइनस किया, वी गॉट 0. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट एरिया पर. तो 99 के टेबल में तो आता ही नहीं है, तो वो हमने कहा कि इसको ले जाना 0 पे. 0 द 0. सो At the end we got 9. अभी कोई डिजिट नहीं बाकी बचा ना डिविडेंड में, तो हमने कोई ब्रिंग डाउन नहीं किया. ये क्या बन गया हमारा? रिमाइंडर. What is this? 1010 is
This is a question. Good. This is a question. So in this question we got question and remainder. Question and remainder. Which is equal to question ke liye hai 1010 and the remainder is 9. Okay. Remainder kya get hua hai hume? 9. अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगी हूँ. दैट्स ऑल इन दिस क्लास.